morning students. How are you? Hope you all are fine. So students, today is your GK turn and today we will do in GK two topics. Okay, both topics are related to sports. First one is on page number 10, identify the playground. Okay, and the second one is famous badminton players. दोनों टॉपिक हैं अलग अलग लेकिन वो रिलेटेड स्पोर्ट्स से ही है. ठीक है, हेयर इज द नंबर वन टॉपिक. इन नंबर वन टॉपिक यू कैन सी ऑन बोर्ड आइडेंटिफाई द प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड यानी हमें यहाँ पर पता, हमने देखा, हमें यहाँ पर बुक में क्या दिए गए बेटा, पिक्चर्स दिए गए हैं ऑन पेज नंबर 10 पर. यहाँ कुछ पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर्स में हमें देखिए आइडेंटिफाई करना है कि ये प्लेग्राउंड कौन से गेम के लिए यूज़ किए जाते हैं. क्योंकि वैसे इंडोर और आउटडोर अलग अलग तरह के गेम्स होते हैं. कुछ गेम्स होते हैं जो कोर्ट रूम्स में, रूम्स में, आउटडोर्स में, गार्डन्स में, प्लेग्राउंड्स में, अलग अलग जगह खेले जाते हैं. ठीक है, लाइक स्विमिंग है, स्विमिंग पूल, पूल में ही की जाएगी. ठीक है, अगर एथलीट है, एथलीट कहाँ दौड़ेंगे, कहाँ रन करेंगे, ट्रैक्स पे. ओके, सो दैट टाइप. यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक इज आइडेंटिफाई, प्लेग्राउंड को पहचानना है कौन सा प्लेग्राउंड कौन से गेम के लिए. नंबर फर्स्ट वन इज हियर इज ए इज स्पोर्ट्स एंड द बी वन इज प्लेग्राउंड. है ना, ए फॉर स्पोर्ट्स, ये सारे गेम्स हैं, ये सारे प्लेग्राउंड्स. नंबर वन इज बॉक्सिंग. बॉक्सिंग कहाँ खेली जाती है बेटा? बॉक्सिंग इज इन रिंग. बॉक्सिंग रिंग में खेली जाती है. एक चारों तरफ से ना दो कवर उससे होता है, स्ट्रिंग रस्सी उसे बांध दिया जाता है, चार खंभे लगा के नीचे गद्दे वगैरह होते हैं काफ़ी अच्छे से ताकि किसी को ज़्यादा चोट ना लगे. इस तरह से बॉक्सिंग कहाँ खेली जाती है? रिंग के अंदर, इनसाइड द रिंग. कहाँ खेली जाती है? दो प्लेयर्स या दो प्लेयर्स इन बॉक्सिंग अंदर रिंग के अंदर खेलते हैं. ठीक है, नौ नंबर सेकेंड है एथलेटिक्स. एथलेटिक्स के लिए ट्रैक्स बनाए जाते हैं. ट्रैक्स कैसे होता है? ऐसे ही मान लीजिए ऐसे ही ट्रैक्स है, जैसे नंबर वन टू थ्री फोर होता है, ये वन वाला है, इसी ट्रैक पर रन करेगा, इसमें ये इसमें सबको पर्टिकुलर दे दिया जाता है ताकि कोई भी जो है, कोई भी प्लेयर जो है किसी दूसरे से टच ना हो, किसी दूसरे से टकराए नहीं, है ना, और उन्हें चोट नहीं लगे और वो इजी गोइंग अपना आराम से जो भी वो गेम है वो पूरा अच्छे से इंटरेस्ट से खेल सके. ठीक है, इसलिए सेफली भी तो ये ट्रैक्स बनाने से ज़्यादा इनको पता होता है वन वाले को कि मेरे को इसमें जाना है, टू वाले को पता है कि मेरे को इसमें रहना है, थ्री वाले को पता है, तो आगे जाके चेंज हो जाता है ट्रैक, दैट इज अदर मैटर. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो भागते रनिंग करते हैं ना, जो भी कुछ करते हैं, तो वो ट्रैक्स में रहते हैं तो सेफ रहते हैं और अच्छा रहता और इजी भी रहता. ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज क्रिकेट. क्रिकेट के बारे में तो आप लोग सभी जानते हो, क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा प्लेग्राउंड होता है ना, स्टेडियम होता है कितना बड़ा, फिर प्लेग्राउंड होता है. प्लेग्राउंड में क्रिकेट जहाँ पर खेला जाता है, जहाँ पर जैसे आप ऐसे कह सकते हैं कोई ख्याल से यहाँ पर क्रिकेट के डंडे लगे हैं, तीन डंडे और इधर एक तीन डंडे लगे हैं. ठीक है, यहाँ पे बॉलर है, यहाँ पर बैट्समैन है, एक बैट्समैन यहाँ से होता है. ठीक है, तो ये जो एरिया होता है पूरा, इस एरिए को क्या बोलते हैं? इस पूरे एरिए को बोलते हैं पिच. क्या बोलते हैं इस पूरे एरिए को? पिच, पी आई टी सी एच, पिच, पी आई टी सी एच, ये पिच होता है. यहाँ से बॉलिंग की जाती है, ये इधर से भागता है, ये इधर से भागता है, रनर रन लेते हैं, कभी कभी चौके और छक्के भी लगते हैं, और जब चौके और छक्के लगते हैं दैट टाइम उन्हें भागने की ज़रूरत नहीं होती है. तो दैट इज़ अ पिच, एंड पिच क्रिकेट प्लेड ऑन पिच. कहाँ खेला जाता है? प्लेज ऑन पिच. ओके, नंबर फोर्थ वन इज बैडमिंटन. द फोर्थ वन इज बैडमिंटन. बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है? बैडमिंटन खेला जाता है कोर्ट रूम में. कहाँ पर? कोर्ट रूम. ठीक है, एक बहुत बड़ा हॉल जैसा रूम होता है, काफ़ी बड़ा होता है वो. ठीक है, उस पूरे बड़े रेक्टेंगुलर रूम होता है. रेक्टेंगुलर यानी जैसे आपका फोन होता है ना, रेक्टेंगुलर शेप में, लाइक दैट. ठीक है, बीच में एक नेट लगी होती है, इधर भी खिलाड़ी होता है, उधर भी खिलाड़ी होता है. ठीक है, प्लेयर मीन्स खिलाड़ी, मीन्स प्लेयर. ओके, तो बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है बेटा? कोर्ट. एंड स्विमिंग कहाँ की जाती है? ऑब्वियसली स्विमिंग कहाँ की जाती है? पूल में, पी डब्ल्यू एल पूल. ठीक है, नंबर वन, आई एम रिपीटिंग अगेन, बॉक्सिंग इज इन रिंग, एथलेटिक्स ट्रैक, क्रिकेट पिच, बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल. ठीक है, दीज फाइव आर्स यू हैव टू राइट इन दैट वे, सेम दैट, इसी तरीके से आपको लिखना है, सुंदर सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, एंड प्लीज राइट इन कर्सिव. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अ नेक्स्ट टॉपिक. ओके,
नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 16. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 16 एंड टॉपिक इज लेट अस प्ले बैडमिंटन. चलिए बैडमिंटन खेलते हैं. बैडमिंटन इज अ वेरी पॉपुलर गेम फॉर ऑल एज ग्रुप. सभी एज ग्रुप्स में ये बहुत ही पॉपुलर गेम है. तो फर्स्ट टाइम इसकी यही है. बैडमिंटन इज अ पॉपुलर स्पोर्ट्स. पॉपुलर स्पोर्ट्स है, पॉपुलर गेम है जो सभी जगह खेला जाता है सभी एज ग्रुप्स में. प्लेड विद अ रैकेट. एक बैडमिंटन होता है रैकेट, है ना, रैकेट जिससे ऐसे हम कॉक को मारते हैं, ठीक है, हिट करते हैं. एंड अ स्पेशल फैदर शटल कॉक. शटल कॉक होती है चिड़ी जो कि फैदर पंखों से बनी होती है. बैडमिंटन कैन बी प्लेड इंडोर्स और आउटसाइड इन द लॉन. बैडमिंटन को हम इंडोर भी खेल सकते हैं, इंडोर कोर्ट रूम में खेल सकते हैं, एंड आउटसाइड बाहर लॉन है या बाहर कोई बहुत बड़ा गार्डन है उस गार्डन में भी हम थोड़ी सी छोटी जगह में खेल सकते हैं. छोटी जगह से मतलब ये नहीं कि इतनी सी जगह में, हाँ थोड़ा बहुत एरिया चाहिए होता है. गार्डन है तो ऑब्वियसली गार्डन है या थोड़ा प्ले ग्राउंड है या लॉन है तो थोड़ा बड़ा तो होगा ना, वहाँ आप खेल सकते हैं. ओके, द गेम इज प्लेड ऑन अ रेक्टेंगुलर कोर्ट. कहाँ पे खेला जाता है? रेक्टेंगुलर कोर्ट पे. मैंने अभी बताया भी था आपको, रेक्टेंगुलर कोर्ट लाइक दैट कि आपका ऐसे लंबा सा ये होगा, इसमें यहाँ पर ऐसे नेट लगी होगी, बीच में जाली होती है, ये नेट लगी होती है. एक प्लेयर यहाँ होता है, एक प्लेयर यहाँ पर होता, ठीक है, दो प्लेयर होते हैं यहाँ पे. देखिए ध्यान, द गेम इज प्लेड ऑन अ रेक्टेंगुलर कोर्ट. ए नेट एट द सेंटर. नेट सेंटर में होती है, दो पार्ट में डिवाइड कर देती है उसको, किसको, कोर्ट को. प्लेयर्स प्लेइंग द गेम स्टैंड ऑन द अपोजिट साइड. प्लेयर्स एक दूसरे को देख के ऐसे एक दूसरे की तरफ फेस करके यहाँ से टिक 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 ऐसे कभी इधर कभी इधर, जहाँ पे भी कॉक आता है वहाँ उनका रैकेट चलता है, इस तरह से आमने सामने वो फेस करके खेलते हैं, ठीक है, फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे को देखते हुए. व्हेन टू पीपल प्ले द गेम इज इट इज कॉल्ड सिंगल. जब दो लोग खेल रहे हैं, वन इज हियर एंड अदर वन इज हियर, दैट टाइम इट इज अ सिंगल वन गेम. ओके, और अगर टू टू प्लेयर्स खेल रहे हैं, That time it is doubles. तो क्या हो गया बेटा, ये डबल मैच हो गया. क्या हो गया, ये डबल्स मैच हो गया. तो ये आपको ध्यान रखना है, जब ओनली टू ही प्लेयर है, प्लेयर ही टू है, दैट टाइम इट इज सिंगल. और अगर फोर प्लेयर्स खेल रहे हैं, टू एंड टू, टू आर ऑन दैट साइड वन साइड एंड टू आर ऑन अदर साइड, दैट टाइम इट इज डबल्स मैच. ए पॉइंट इज स्कोर्ड व्हेन अ प्लेयर फेल्स टू रिटर्न द शॉट. जब एक प्लेयर यहाँ से शॉट को हिट करता है, दूसरा प्लेयर वो हिट करने की जगह नहीं हिट कर पाता, ठीक है, उस टाइम क्या होता, नहीं हिट करने की वजह से वो उसको मैच में नंबर नहीं मिल पाते हैं, फेल हो जाता है हिट करने में तो उसे नंबर नहीं मिलते. बैडमिंटन इज़ अ फेवरेट स्पोर्ट ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों का ये फेवरेट गेम है, और बच्चों का ही नहीं, इवन हर एज ग्रुप के लोगों का ये फेवरेट गेम है. इट इज़ ऑल्सो प्लेड प्रोफेशनली. प्रोफेशनली लोग इसे अपना प्रोफेशन बनाते हैं. प्रोफेशन बनाते हैं मीन्स यानी इसे आगे तक लेके जाते हैं, बड़े बड़े मैचेस खेलते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, उन टूर्नामेंट्स में जीतते हैं, मेडल्स लेके आते हैं, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज और काफ़ी कुछ, मतलब वो अपना उसे कमाई का जरिया भी बना लेते हैं. लेकिन उनका शौक होता है बेटा, ठीक है, वो इंटरेस्ट को ही, अपने हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, ठीक है. एंड मेनी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट्स आर हेल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे ही वर्ल्ड में, आपने खुद भी देखा होगा, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे बैडमिंटन के जो हैं टूर्नामेंट्स होते हैं जिनमें हमारे देश के लोग भी काफ़ी जीतते हैं, जीत कर आते हैं, ठीक है. नाउ हियर इज अ लॉन, लुक एट द बोर्ड. अब बोर्ड पर देखेंगे आप, सेम तरीके से वो डेट डालेंगे, आप डे लिखेंगे, देन आफ्टर पेज नंबर 16 एंड राइट अ टॉपिक, फेमस बैडमिंटन प्लेयर्स. ओके, टॉपिक इज कंपलसरी. टॉपिक कंपलसरी क्यों होता है, बिकॉज जब भी आप अपनी नोटबुक ओपन करते हैं, दैट टाइम व्हेन यू सी द टॉपिक, ओके दैट इज द टॉपिक, है ना, वो क्लियरिटी हो जाती है और हमें पढ़ने में इजी रहता है. तो द टॉपिक इज फेमस बैडमिंटन प्लेयर्स. ओके, नाउ नंबर वन इज इंटरनेशनल प्लेयर्स. नंबर वन इज श्रीकांत कादंबी. नंबर वन इज श्रीकांत कादंबी, SRIKANTH, श्रीकांत KADAMBI कादंबी. ओके, नंबर टू इज देखिए ली चोंग वी, LEE ली CHONG चोंग WEI ली चोंग. नंबर थर्ड वन इज कैरोलिना मरिन. कैरोलिना मरिन CAROLINA कैरोलिना MARIN मरिन. ओके, नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग, फेमस बैडमिंटन प्लेयर्स. नंबर वन इज श्रीकांत कादंबी, SRIKANTH
श्रीकांत, प्रारंभिक के ए डी ए एम बी आई। नंबर सेकंड वन इज ली चोंगवी, एल डबल ई ली सी एच ओ एन डी चोंग डब्ल्यू ई आई। नंबर थर्ड वन इज कैरोलिना मरिन, सी ए आर ओ एल आई एन ए एम ए आर आई एन। ओके, तो डू दिस वर्क इन योर नोटबुक, डू इट इन अ वेरी नीट एंड क्लीन मैनर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।